राम राम सा, मैं हूँ प्रिया, मैं हूँ मयंक और आपका स्वागत है आपके फेवरेट चैनल ब्रो सिस रिएक्शन में। सो गाइस, आज हम रिएक्ट करने वाले हैं रमा राव ऑन ड्यूटी के ऑफिशियल ट्रेलर पे। और इस मूवी में है रवि तेजा सर और ये मूवी को डायरेक्ट किया है शरद मंडावा सर ने। तो सबसे पहले हम ये ट्रेलर देख लेते हैं, उसके बाद डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ఈ ఆపరేషన్ మాయంలో గల్లంతైంది వేర్వేరు ప్రాంతాలకు చెందిన కష్టజీవులు. మా నాన్నని వెక్కడానికి హెల్ప్ చేస్తారా? ఇన్నాళ్ళు ఒక గవర్నమెంట్ ఆఫీసర్గా చట్టం ప్రకారం న్యాయం కోసం డ్యూటీ చేసిన నేను ఇకపై రామారావు గారి ధర్మం కోసం డ్యూటీ చేస్తాను. సార్ నిజంగా మీరు పోలీస్ కాదు కదా? గవర్నమెంట్ ఇతను కొంచెం ట్రిక్కీ పర్సన్ ఉన్నాడు, బాగా కన్నేసించండి. ఆ గాంధరగోళం గొడవ కొట్లాట పూర్తిగా ప్రీ ప్లాన్డ్ కదా? ఇది మిస్సింగ్ కేసు. ఐ మీకు సంథింగ్ అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ కనపడకుండా పోయింది ఒక్కరు ఇద్దరు కాదు. ఎవడో మాల్ తోలేవాడి గురించి మమ్మల్ని అడిగితే మేమేం చెప్తాం? వాళ్ళిద్దరు ఆ రోజు కలిసి వెళ్ళలేదా? ఆ లిస్ట్ లో ఉన్న వాళ్ళు ఎవరు పోలీస్ కస్టడీలో లేరు. ఈ టోటల్ నెట్వర్క్ లో నేను ఒక చిన్న లింక్ మాత్రమే. నౌ ద ఇష్యూ ఇస్ గెటింగ్ వెరీ బిగ్. అసలు వేట మొదలైంది. सो गाइस, ये था रमा राव ऑन ड्यूटी का ऑफिशियल ट्रेलर। और जो रवि तेजा सर का लुक और जो एक्टिंग दिखाई है ना, मतलब कमाल की दिखाई है। और जो हाँ, वो एक्टर तो कमाल के है ही, उनकी काफी सारी मूवीज हमने देखी हुई है और इस मूवी के अंदर भी वो पुलिस इंस्पेक्टर बने हैं रमा राव ऑन ड्यूटी। और जैसे ही वो ड्यूटी पे आते हैं तो वो मिसिंग केस को हैंडल करते हैं। अब उस मिसिंग केस के पीछे क्या क्या राज छुपे हुए हैं, या कौन सी बड़ी गैंग है, या फिर क्या किस वजह से वो लोग मिस हुए हैं, तो वो सारा एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। और उस नेटवर्क के बारे में पता करेंगे रामा राव सर जो ड्यूटी पे लगे हुए हैं। और रवि तेजा सर का लुक मतलब वो ऑसम ही लगते हैं। रवि तेजा सर की मूवी, मतलब मूवी की एक बात कहनी पड़ेगी, आप कोई सी भी मूवी आप देखोगे ना तो उसमें आपको एक्शन तो मिलेगा ही, साथ में कॉमेडी भी मिलेगी, एंटरटेनमेंट मिलेगा। और सर का जो एक्टिंग होता है ना, और सर की जो कॉमेडी टाइमिंग होती है ना, वो कमाल की होती है। और इसमें भी ऐसा लग रहा है, और ये थोड़ा सीरियस थोड़ा मूवी लग रही है क्योंकि इसमें एक किसी का किडनैप हो जाता है, उसके बाद क्या तो वो स्टेप उठाएंगे, क्या वो तहकीकात करेंगे और कहाँ तक ये केस जाएगा और क्या क्या मतलब होने वाला है इस मूवी में, वो तो अभी तक इसमें कुछ दिखाया नहीं गया। और वैसे शरद सर ने काफी अच्छे टॉपिक पे मूवी डायरेक्ट की, मतलब काफी अच्छा उनका डायरेक्शन भी है इस मूवी में, जिस तरह के सीन्स है, जिस तरह से फिल्माया गया है। और इस मूवी का म्यूजिक, मतलब बीजीएम बहुत ही आलीशान लग रहा है, जब फाइट सीन आते हैं तब बीजीएम बहुत ही तगड़ा लग रहा है। सो ओवरऑल ये ट्रेलर हमें बहुत पसंद आया है, और आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में जरूर बताना। और इस वीडियो का ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। अभी करते हैं इस वीडियो का एंड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, सजेशन देना और अपना सपोर्ट इस चैनल पर यूं बनाए रखना। सो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।